सबसे ज्यादा मशहूर अपने वकील की हूँ, मुनीर अहमद खान, जो कि सिंध हाई कोर्ट के वकील हैं, एडवोकेट हैं। 13 जनवरी का नोटिस जो कि FIE की तरफ से हरीम शाह को एड्रेस किया गया था रिगार्डिंग द मनी लॉन्ड्रिंग, तो उस नोटिस को हमने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो उसके अंदर जो एलिगेशंस थे हरीम शाह के खिलाफ, तो उसमें एक तो जो उनके बैंक अकाउंट्स थे उनको फ्रीज करने की इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। नंबर टू, उनके खिलाफ सेक्शन 160 में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की कोशिश की और उसके अंदर उनको डायरेक्ट उनकी अटेंडेंस अक्वायर की गई और प्लस PTA को डायरेक्शंस दी गई थी और उनके जो 3 सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो इन 3 एलिगेशंस को हमने सिंध हाई कोर्ट में इस इम्प्यून नोटिस के जरिए हमने उसको चैलेंज किया। तो आज डिवीजन बेंच सिंध हाई कोर्ट की वर्डिक्ट आई, उसके अंदर जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज उनको रिस्ट्रेन किया गया और साथ साथ में उस ऑर्डर के अंदर ये कहा गया कि नो कोएर्सिव एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट हरीम शाह। सबसे ज्यादा मशहूर अपने वकील की हूँ, मुनीर अहमद खान, जो कि सिंध हाई कोर्ट के वकील हैं, एडवोकेट हैं। आज सिंध हाई कोर्ट में हरीम शाह को FIE की तरफ से जो नोटिस एड्रेस किया गया था रिगार्डिंग दी मनी लॉन्ड्रिंग, तो उस नोटिस को, इम्प्यून नोटिस को हमने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन हमने इन्वोक की उसके अंदर। तो उस नोटिस के बाद इस पे डिवीजन बेंच ने डिसीजन दिया और FIE को रिस्ट्रेन किया गया। उसके अंदर बेसिक जो एलिगेशंस हरीम शाह के अगेंस्ट नोटिस के अंदर जो मेंशन किया गया था, उसमें उनके जो बैंक अकाउंट्स थे उनके फ्रीजिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, साथ में 160 CRPC सेक्शन के तहत उनको नोटिस एड्रेस किया गया। तो वो सेक्शन 160 का नोटिस जो है वो उसकी कंक्लूजन के बगैर, विदाउट अराइविंग ऑन कंक्लूजन, उस नोटिस के जरिए फर्दर इंस्ट्रक्शंस दिए गए PTA को, उनके जो 3 सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो डिवीजन बेंच ने डिसीजन दिया और फॉर द टाइम बीइंग दी FIE अथॉरिटीज हैव बीन रिस्ट्रेंड फ्रॉम एनी कोएर्सिव एक्शन। तो ये थी अपडेट्स इस केस में, थैंक यू। सबसे ज्यादा मशहूर अपने वकील की हूँ, मुनीर अहमद खान, जो कि सिंध हाई कोर्ट के वकील हैं, एडवोकेट हैं।